SMS Academy. आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉप 6 ऐसे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के बारे में जहां से आप MSc इन मैथमेटिक्स कर सकते हो। साथ में अगर आप यहां से MSc इन मैथमेटिक्स करते हो तब आपके प्लेसमेंट के भी चांसेस बनते हैं और साथ साथ में आपको एक अच्छा लेवल ऑफ एजुकेशन भी प्रोवाइड किया जाता है। फ्रेंड, आप इन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को IITs और NITs का एक अल्टरनेट भी कंसिडर कर सकते हो, राइट? तो चलिए एक एक करके हम लोग कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को देखते हैं। सबसे पहला है हमारा CMI, यानी कि चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट। काफी अच्छा इंस्टीट्यूट है फ्रेंड, यहाँ से आप MSc इन मैथमेटिक्स, MSc इन डेटा साइंस कर सकते हो, जिसका फॉर्म हमारा लगभग मार्च के एंड तक निकल जाता है, राइट? और अगर हम लोग बात करें डेटा साइंस का, अगर आप MSc इन डेटा साइंस करते हो CMI में जाकर, तब आपका प्लेसमेंट का काफी ज्यादा चांसेस बढ़ जाता है। अगर आपको CMI का एक स्पेशल लेक्चर चाहिए तब आप हमारे प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हो, जहां पर मैंने CMI के लिए स्पेशल एक लेक्चर बना रखा है ऑलरेडी। सिमिलरली अगर आप मैथमेटिक्स से करते हो तब आपको एजुकेशन काफी अच्छे लेवल का मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है हमारा ISI, यानी कि इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। यहाँ पर भी हमारा काफी अच्छा लेवल ऑफ एजुकेशन मिलता है, साथ में प्लेसमेंट के भी चांसेस होते हैं। यहाँ से भी आप MSc मैथमेटिक्स कर सकते हो, जिसका फॉर्म आपका लगभग मिड ऑफ मार्च में निकल जाता है, राइट? आप मार्च के एंड या फिर आप मिड ऑफ मार्च में कर सकते हो, इसका फॉर्म आपको देखने को मिल जाता है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। साथ साथ में मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ISI के बारे में भी मैंने एक स्पेशल लेक्चर बना रखा है, राइट? मैंने सारा इन्फॉर्मेशन वहां पे मैं दे चुका हूँ उस वीडियो में, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हो, तब आपको ISI के बारे में काफी सारी चीजें पता चल जाएंगे, राइट? नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है हमारा साउथ एशियन यूनिवर्सिटी। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में अगर आप MSc करना चाहते हो तब आप अप्लाइड मैथमेटिक्स में कर सकते हो। अगर आपको अप्लाइड मैथ काफी अच्छा लगता है तब आप इस यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस टेस्ट होता है उसमें आप अपीयर हो सकते हो और यहां पर जाकर आप MSc कर सकते हो फ्रेंड। इसका फॉर्म लगभग मार्च में आपका निकल जाता है, मार्च के एंड में आप कंसिडर कर सकते हो कि साउथ एशियन यूनिवर्सिटी का फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा मार्च एंड में, राइट? सिमिलरली और एक यूनिवर्सिटीज का बात करें DU, इसके बारे में मोस्टली स्टूडेंट को पता है, काफी सारे आप DU में अभी पढ़ भी रहे होंगे, राइट? तो DU में आपको पता ही है काफी अच्छा लेवल ऑफ एजुकेशन मिलता है और जिसका एंट्रेंस का जो टेस्ट होता है डुएट, जिसे हम लोग डुएट कहते हैं, उसका फॉर्म लगभग आपका अप्रैल में निकल जाता है, राइट? अप्रैल में फॉर्म रिलीज हो जाता है। और अगर आप चाहते हो कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटीज में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, लाइक किस तरह के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, उसका सिलेबस क्या था, अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तब आप हमें कमेंट कर सकते हो। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी जो एंट्रेंस टेस्ट के बारे में एक सेपरेट लेक्चर जल्दी लाने वाला हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हो तब आप हमें कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नंबर 5 में हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में सच में काफी अच्छा लेवल ऑफ एजुकेशन मिलता है, जहां से आप MSc इन मैथमेटिक्स कर सकते हो, जिसका फॉर्म आपको लगभग अप्रैल में देखने को मिल जाएगा। अप्रैल में आप जाके इसका एंट्रेंस टेस्ट का फॉर्म भर सकते हो फ्रेंड, राइट? नेक्स्ट आता है हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। काफी सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, लाइक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, और भी काफी सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिलकर एक टेस्ट अरेंज करवाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं CU SET, ठीक है? CU SET का आप एग्जाम दे सकते हो। एग्जाम का फॉर्म आपका 3rd week ऑफ मार्च में निकल जाएगा और एग्जाम देने के बाद आप MSc यहां से कर सकते हो। सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी काफी रेपुटेड यूनिवर्सिटी है, जहां से आप MSc कर सकते हो और आपको एक अच्छा टैग में मिल जाएगा। तो ये था फ्रेंड आज का वीडियो। आज का वीडियो में हम लोगों ने देखा टॉप 6 कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज जहां से आप MSc इन मैथमेटिक्स कर सकते हो और जिसे आप IIT या फिर NITs का एक अल्टरनेटिव भी कंसिडर कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दो और इसे जरूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ में। और अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट है या फिर किसी भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट के बारे में आपको जानकारी चाहिए, तब आप हमें कमेंट कर सकते हो फ्रेंड।